हाय फ्रेंड्स, मैं गुड्डू और मेरा चैनल टेक गुड्डू सोनी में आपका स्वागत है। तो फ्रेंड्स, आज हम गियर बक्सा चेंज करने को बताएंगे कि कैसे गियर बक्सा को चेंज करें। तो फ्रेंड्स, जैसे हमारा ये जो 3 स्क्रू है इसको हमें खोल लेना है फ्रेंड्स, और इसको थोड़ा सा पीछे खींच लेना है फ्रेंड्स, और उसके बाद हमें इस नट को, मतलब 6 नट होते हैं इसमें, 6 स्क्रू होते हैं, उनको हमें पूरा खोल लेना है और खोल के गियर बक्सा निकाल लेना है। तो फ्रेंड्स, आप हमारे अगर चैनल पर नए हैं तो वीडियो को प्रवाच कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, कमेंट करके साथ में बेल आइकन के घंटे दबा दीजिए ताकि आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंचे। तो फ्रेंड्स, मैं कुछ दिन से नोटिस कर रहा हूं कि मेरे वीडियोज पे व्यूज आ रहे हैं, ना तो सब्सक्राइब कर रहे हैं, ना लाइक कर रहे हैं, ना कमेंट कर रहे हैं। तो फ्रेंड्स, अगर भाई का वीडियो अच्छा लगता है तो फ्रेंड्स सब्सक्राइब कर दीजिए, ठीक है फ्रेंड्स। और इसको हमें क्या करना है कि इस नट को पूरे खोल लेना है, और खोलने के बाद से इसको हम बताते हैं कि कैसे इसको हम बाहर निकालते हैं। तो फिर बने रहिए वीडियो में और आप सीखिए। इसको ऐसे खोल लेना है, सारे स्क्रू को रिमूव कर लेना। फ्रेंड्स, अभी मैं खोल कर दिखाता हूँ। फ्रेंड्स, पूरा इसको ऐसे फैला लेना है स्क्रू को पूरा करके, और इसको पूरा पेच रिमूव कर लेना। तो फ्रेंड्स, पेच रिमूव करने के बाद, इसको बाहर की तरफ हिला हिला के खींचना है, ठीक है। ऐसे खींच के इसको निकाल लेना है। तो ये जो गियर बक्सा था इसमें प्रॉब्लम ये था कि ये ऊपर का भाग नहीं घूम रहा था, नीचे का भाग घूम रहा था, ये नीचे का सापट घूम, ऊपर का नहीं घूम रहा था, मतलब ये लोड नहीं ले रहा। तो फ्रेंड्स, इस कारण इसको चेंज कर रहा है। अभी देख लीजिए नया, फिर तो फ्रेंड देख रहे हैं उसी कम मतलब एलजी का ये सेम गियर बक्सा है। अभी इसको हम लगाते हैं। तो सबसे पहले फ्रेंड्स, जो हमारा ये वाल्सिल रबर होता है इसको हमें निकाल लेना है। आपको इसको निकाल कर हमें साफ कर लेना है इस जगह को, साफ कर लेना है। उसके बाद ही हमें नया गियर बक्स लगाएंगे। तो ये गियर बक्स है हमारा सेम यही मॉडल का, और यही सेम है। तो फ्रेंड्स, हम इसको अब लगाएंगे और आपको दिखाएंगे कि कैसे इसको लगाना है। तो फ्रेंड्स, ये हमारा सील है, सील रबर, इसको हमें निकाल लेना है। यहाँ जो है मैंने निकाल लिया, हम इसको साफ कर लेंगे इस जगह को। ओके, आपको इसको ठीक करते टाइम मैं आपको दिखाता हूँ। तो देख रहे हैं इसको हमें इस तरह से इसको इसके जगह पर फिट कर लेना है। इसको फिट करके आपको दिखाते हैं फ्रेंड्स। तो फ्रेंड्स, देख रहे हैं आप लोग, ये जो नया वाला रबर है मैंने फिट कर लिया, साफ करके अभी इसको इसके अंदर तो देख रहे हैं फ्रेंड्स, अभी ये बैठ गया। अभी इसे पेच कट से टाइट करके फिर आपको दिखाते हैं। देख रहे फ्रेंड्स, इसको मैंने सारा स्क्रू को टाइट कर लिया, मतलब लगा फंसा दिया। अब इसको टाइट करके फिर आपको दिखाते हैं फ्रेंड्स, क्योंकि आपको प्रॉपर दिखाता मैं। तो फ्रेंड्स, काम तो अकेला ही वीडियो बनाना पड़ता है, इसीलिए थोड़ा तो दिक्कत है, ठीक है फ्रेंड्स। अभी आपको कस के दिखाता हूं।
तो फ्रेंड्स देख रहे हैं इसको मैंने टाइट कर लिया है और इसको फिट कर लिया। अब इसको हम वॉशिंग मशीन को पूरा सेट करते हैं, फिर इसको चलाते हैं, देखते हैं कि क्या सही चल रहा है कि नहीं। अब इस पेज को भी कस लेते हैं फ्रेंड्स। तो है फ्रेंड्स देख रहे हैं ये मैंने लग फिट कर लिया। फिट करने के बाद इसको फिट करके और इसको चेक करके फिर देखते हैं। देख रहे हैं इसको फिट कर लिया, अब इसको चला के देख रहे हैं बढ़िया वर्क कर रहा है। तो फ्रेंड्स ऐसे आप गियर बक्सा फिट कर सकते हैं और ये जो पुराना गियर बक्सा है इसको देखेंगे कि इसमें क्या फॉल्ट है। तो चैनल पर नया है तो वीडियो को सब्सक्राइब लाइक कमेंट कीजिए।